दोस्तों नमस्कार, एनवर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दुनिया भर के वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल को लेकर काफी चिंतित हैं। आए दिन टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कई सारे इनोवेटिव रिसर्च करते रहते हैं। यह बहस वैज्ञानिकों में लंबे समय से ही चल रही थी कि क्या टाइम ट्रेवल करके वह पीछे या आगे जा सकते हैं, और इसीलिए समय समय पर टाइम मशीन की बात होती रही है। यही कारण है कि समय की यात्रा एक रोमांचक विषय बना हुआ है। वहीं टाइम ट्रेवल को लेकर हमारे पास्ट में हमने अपने बड़े बूढ़ों से कई तरह की कहानियां भी सुनी होगी। वहीं हमने गीता, महाभारत और कई सारे धार्मिक ग्रंथों में भी समय की यात्रा को लेकर कई सारी कहानियां सुनी होगी। यही वजह है कि हमेशा ही वैज्ञानिकों को समय की यात्रा हमेशा ही आकर्षित करती रही है। और समय की यात्रा को लेकर दी दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिकी के कुछ नियमों को लेकर कई सारी टाइम ट्रेवल की अवधारणाएं भी गढ़ी थी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई भी स्पेसशिप प्रकाश की गति से अगर तेज रफ्तार से चल सकती है तो हो सकता है कि वह समय की यात्रा भी कर पाए। दोस्तों आज के एपिसोड में हम समय की यात्रा को लेकर के जो वैज्ञानिकी रिसर्च है, जिसमें हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करें। टाइम ट्रेवल वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत ही रोचक विषय है। समय की यात्रा यानी टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। इसी को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी के एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि अगर ब्रह्मांड में ऊष्मा गतिकी सिद्धांतों को माना जाए तो यह संभव हो सकता है, क्योंकि ऊष्मा गतिकी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या एक सी ही रहती है या फिर वह विकृत हो जाती है। यानी समय के हिसाब से जो चीज चल रही होती है, अगर हम उसके आगे जाए तो उसके भविष्य में जा सकते हैं, और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की तेज गति से अगर चल पाए तो हम समय पीछे भी जा सकते हैं। और यही कहना रहा अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत में भी इस तरह के सुझाव दिए गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्षयान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव कर सकता है। या इस तरह अभी तक तो कोई स्पेसशिप नहीं बना है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की उम्र उनके जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही थी। और यही दावा रहा वैज्ञानिकों की समय की यात्रा संभव हो सकती है। और इसी को लेकर दुनिया के महान थ्योरेटिकल फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने भी एक रिसर्च किया था। उनके मुताबिक टाइम ट्रेवल संभव नहीं था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि टाइम ट्रेवल एक बेहद शक्तिशाली चीज है। अगर हम टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट को बदल दें तो हो सकता है प्रेजेंट भी बदल जाए, लेकिन वैज्ञानिक इस तरह की टाइम मशीन बनाने में लगातार कार्यरत हैं। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।